अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर टू ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को जो है स्टार्ट किया हुआ है, इसकी रिवीजन करना, तो आज के हम लेक्चर के अंदर भी इसकी रिवीजन ही करेंगे, इसकी एक्सरसाइज। तो आज के लेक्चर के अंदर हम फिर ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली फिर ब्लैंक है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, के जो प्रोसेस है फूड की ब्रेक डाउन करने का उसे डाइजेशन बोलते हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड, के जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो जिसकी वजह से अपर रीजन से फूड को लोअर रीजन में लेके जाया जाता है, उसे पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। उसके बाद ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ टाइनी थिन वॉल्ड बेलून्स इन लंग्स, के टाइनी थिन वॉल्ड बेलून्स की तरह का जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे लंग्स के अंदर, उसे जो है एल्वियोलाई बोलते हैं। कि हमने न्यू टर्म में डिस्कस किया था कि ये एल्वियोलाई जो है टाइनी वो एयर सैक्स हैं जो कि ब्लड के अंदर और लंग्स के दरमियान में गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, कि और लंग्स से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को और लंग्स के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद डोम शेप मसल्स एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट, कि उसे डायफ्रेम बोलते हैं। कि ये हमने न्यू टर्म में भी डिस्कस किया था कि ये लार्ज और जो से स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं जो कि लंग्स के अंदर से एयर को इन एंड आउट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, के लंग्स के अंदर एयर को इन एंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसे ब्रीदिंग बोलते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।